जय हिंद। ये वीडियो है आप लोग का संसाधन विकास और उपयोग। देखिए भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, देखिए ये आप लोग क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों कक्षा के लिए है। ये वीडियो है पार्ट 4, जिसमें हम आप लोग को पार्ट 3 तक बता दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तक करके बता दिए हैं। आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 में बता देते हैं संसाधन विकास और उपयोग। संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा बहुत अच्छे से बता देते हैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आप लोग इसका मतलब अच्छे से निचोड़ पढ़कर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग बेल कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला हम बता देते हैं, इसके पिछला वाला वीडियो में बताया था आप लोग को उपलब्धता के आधार पर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये संसाधन का वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिए पहले पार्ट में आया था संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा। दूसरे पार्ट में आया संसाधन का वर्गीकरण। अच्छा तीसरे पार्ट में आया था आप लोगों को, हम बोले भी थे एक एक पार्ट करके आएगा, आप लोग को अच्छे से समझाते चलेंगे, बारीकी से समझते चलिएगा। आप लोग उपलब्धता के आधार पर बांटे थे, पहला तो उपलब्धता के आधार पर बांटे थे प्राकृतिक प्रदत्त और मानवकृत संसाधन के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिए थे, वो समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा हम बताएंगे आप लोगों को स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बताएंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर दो वर्ग में बांटा गया, एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। ठीक ना, तो आप लोग को जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। चलिए सबसे हम पहले जानेंगे जैविक संसाधन क्या होता है। आप लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण में दूसरा तरीका है, पहला तरीका बता दिए हैं उपलब्धता के आधार पर बांटे थे तो आपकी स्रोत, इस बार हम स्रोत के आधार पर बांट रहे हैं। स्रोत में कहां से प्राप्त होता है, वहां के आधार पर बांट रहे हैं, उसके उसको देखते हुए। ये देखिए स्रोत के आधार पर बांट रहे हैं तो दो तरीके हैं, एक जैविक जीव जंतु से प्राप्त होने वाला, एक अजैविक मतलब निर्जीव चीज से प्राप्त होने वाला, सजीव से नहीं, जीव से नहीं प्राप्त होने वाले, अजैविक यानी सजीव सभी निर्जीव से प्राप्त होने वाले। चल लिखिए जैविक, जैविक संसाधन जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले, देखिए क्या प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव जैसे जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे और स्वयं मानव। इसे देखिए मानव क्या है, संसाधन है मानव। इसे हम बताए थे पहले ही वीडियो में आप लोगों को, मानव इसे मान लीजिए मानव है, हम मेरे ऑफिस में बहुत लोग काम कर रहे हैं, या आप लोग मान लीजिए कोई बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, तो मानव लोग चला रहा है, तो मानव चला रहा है तो वो मदद कर रहा है ना। मान लीजिए हाँ हमें खाना बना के मानव दे रहा है, ठीक ना, खाना बना के दे रहा है तो हमारी मदद कर रहा है, हमारा वो हमको उससे फायदा है। तो जिससे फायदा हो वो क्या होता है, संसाधन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सामने कुर्सी लगा हुआ है, तो कुर्सी हमारे लिए फायदा है, कुर्सी से हम फायदा उठा रहे हैं, हमको फायदा मिल रहा है कुर्सी से, तो कुर्सी संसाधन। जिससे आपको फायदा मिलेगा, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो आपको फायदा पहुंचाए वो पदार्थ ये संसाधन होता है, ठीक ना, रिसोर्स होता है। चलते हैं तो वो संसाधन, तो मनुष्य भी क्या है हमारे लिए संसाधन है, मनुष्य भी संसाधन है। अगर मान लीजिए कोई मानव, इसे मान लीजिए आप गाड़ी पर बैठ के जाते हैं, गाड़ी चला कर जाते हैं, तो वो आदमी जो है वो मानव है, आपको फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं, आपको एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में मदद कर रहा है, कोई आपको खाना खिला दे रहा है, कोई आपको चाट बर्गर पिज्जा हर चीज खिला देता है। इसे मान लीजिए कोई नाई है जो उसे बाल काट देता है, तो बाल काटने आपके लिए वो फायदा है कि नहीं, फायदा करवा रहा है कि नहीं, वो आप उससे फायदा उठा रहे हैं, तो आप उससे फायदा उठा रहे हैं, तो वो आपके लिए संसाधन हो जाएगा। गाड़ी भी संसाधन, हर चीज, पेड़ पौधा से बहुत चीज हम लोग प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधा से हम लोग को बहुत सारा फायदा है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं, उसका फल या लकड़ी पत्ती भी प्राप्त करते रहते हैं, तो ये हम लोग के लिए क्या है, संसाधन है। मिट्टी भी संसाधन होता है, आप लोग मिट्टी से भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। देखिए इसमें जैविक में जीव जंतु का पढ़ना है, ठीक ना, मछली या मछलियों से भी हम लोग का फायदा होता है, मछली भी संसाधन है, लेकिन कौन सा संसाधन है, ये हो जाएगा आप लोग को जैविक संसाधन, याद रख लीजिएगा। जैविक माने ये जीव जंतु है, तो जीव जंतु से प्राप्त होता है, जीव से प्राप्त होता है, ठीक ना। आप देखिए पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधा, मानव, ये सब क्या है, जैविक संसाधन है। यहाँ पे देख रहे हैं जैविक संसाधन, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा भी भूलने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग अच्छे से देख लेंगे वीडियो को, समझ ही जाएंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग जैविक संसाधन के बारे में यहाँ पर और भी जानिए, थोड़ा बहुत जानकारी है। जीव जगत के सभी जीवित सदस्यों में, सभी जीवित सदस्यों में संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति मतलब इसे अपने सजीव की उत्पत्ति कराएगा, संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। आप लोग जानते हैं जीव में, जैसे मान लीजिए बताइए पक्षी में होता है कि नहीं, पक्षी में भी होता है, मछली में भी होता है,
पेड़ पौधा भी होता है, पेड़ पौधा अपने संतान उत्पत्ति कराता है, जैसे मान लीजिए वो बीज द्वारा कराता है, जैसे आम का पौधा है, आम का पौधा हम जो आज देख रहे हैं देख पाते हैं नहीं, बहुत पहले ही खत्म हो जाता है अगर संतानोत्पत्ति नहीं होता। अगर संतानोत्पत्ति हो रहा है तो मान लीजिए हम देख रहे हैं हमारा आने वाला जो चुनगा मुनगा होगा वो भी देखेगा, चुनगा मुनगा मतलब कहने का मतलब लड़का हमारा होगा वो भी देखेगा, जो हमारा पोता पोती होगी वो भी देखेगी, यानी कहने का मतलब यही है। मान लीजिए संतान उत्पत्ति हुआ तभी तो पौधा बार बार देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई जीव भी है, मान लीजिए हाथी, हाथी हम देख रहे हैं तो हाथी संतान उत्पत्ति द्वारा ही देख रहे हैं, अगर संतान उत्पत्ति नहीं होता तो कब के हाथी मर गया तभी लुप्त हो गया होगा, होता लेकिन संतान उत्पत्ति हो रहा है वो दिख रहा है, वो उसका बच्चा धीरे धीरे करके देख रहे हैं, हम लोग भी जीवित है संतान उत्पत्ति द्वारा नहीं तो हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता। चलिए देखिए संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, पेड़ पौधे में भी होता है मानव में भी होता है। चलिए अनुकूल परिस्थितियों में ये अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगा दिक्कत है, अनुकूल परिस्थितियों में नई संतानों को उत्पत्ति कराते रहते हैं, नई संतान की उत्पत्ति कराते रहते हैं, अतः सभी जैविक संसाधन क्या होते हैं नवीकरणीय होते हैं, क्या होते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय माने अपने जैसा निर्माण हो जाएगा, नया बन सकता है, तो नवीकरणीय मतलब क्या हो जाएगा नया बन सकता है, ये नवीकरणीय संसाधन होता है जो कि इसके बाद हम जब बताएंगे ना इसके बाद बताएंगे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो वो भी वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग, वो पार्ट 5 करके आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को, तो देखिए सभी जैविक मतलब जीव जंतु से जो प्राप्त हुआ है संसाधन वो संसाधन नवीकरणीय है, क्योंकि मान लीजिए जीव जंतु से कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जीव जंतु से कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो वो नवीकरणीय इसलिए होगा, वो फिर से नया बन जाएगा, जैसे मान लीजिए चिड़िया है, चिड़िया फिर से नया चिड़िया बन सकती कि नहीं, संतान उत्पत्ति द्वारा उसका बच्चा हो सकता है, यानी कहने का मतलब पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का भी उसका संतान हो सकता है, यानी पेड़ पौधा भी जल्दी विलुप्त नहीं होगा, यानी नया संतान नया वंश बनते रहता है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। इसको इसके बारे में एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं से दिक्कत होता है तो आप लोग बताइए कि सर आप लोग वीडियो को भले ही लंबा होने दीजिए लेकिन और अच्छे से बताइए, हम वीडियो को भले ही लंबा होने देंगे लेकिन इसको और अच्छे से बताते रहेंगे। चलिए देखिए ऐसे आप लोग कहीं पे यहाँ पे कमी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जैविक पाठ्यक्रम जैविक के बारे में समझ गए इतना में, देखिए स्रोत के आधार या उत्पत्ति के आधार पर बांटे थे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बांटे थे संसाधन के वर्गीकरण में, दूसरा जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बांटे थे जैविक और अजैविक, दो प्रकार के संसाधन बनते हैं जैविक और अजैविक, ठीक तो जैविक के बारे में जानिए अजैविक अजैविक के बारे में जानना। देखिए अजैविक संसाधन की परिभाषा है वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ, यहाँ देखिए निर्जीव पदार्थ सभी पदार्थ के सभी तरह के सभी प्रकार के क्या निर्जीव पदार्थ, जैसे खनिज मान लीजिए कोयला प्राप्त है, कोयला या पेट्रोलियम या लोहा सोना चांदी जो भी खनिज है खन है वो प्राप्त हुआ, खनिज चट्टान प्राप्त हुआ, पत्थर से चट्टान प्राप्त हुआ, मिट्टी प्राप्त हुई, मिट्टी क्या ये जीव से मिला है नहीं ना, अजीव जो है मैंने ये निर्जीव पदार्थ से मिला है, नदियां भी निर्जीव है, अच्छा पर्वत इत्यादि जो भी है अजैविक संसाधन है, देखिए ये सब पर्वत मान लीजिए पर्वत कोई बंदर या हम लोग से बना है, मान लीजिए हम लोग आए हैं नहीं ना, अच्छा पर्वत क्या मतलब जीव आकर उसको संतान उत्पत्ति कराया है, पर्वत का बच्चा पर्वत होता है नहीं ना, देखिए पर्वत का बच्चा पर्वत नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए ये पर्वत मान लीजिए कोई पर्वत है इस तरह से पर्वत हो गया है, ये पर्वत आगे चल के अपने कोई और पर्वत जन्म कर सकता है नहीं ना, अपने पर्वत निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है, यानी कहने का मतलब ये क्या है अजैविक है, इसमें जीव भी नहीं है अजैविक है, ठीक ना। चलिए नदियां भी अजैविक है, मिट्टी भी अजैविक, चट्टान भी अजैविक है, इसमें जीव नहीं है, जीव द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब अभी थोड़ा सा क्या है, अभी आप लोग को छोटी छोटी करके ही वीडियो दे रहे हैं लेकिन कुछ ये अच्छे से पढ़ते चलिए समझ जाइएगा, आप लोग को बड़ा सा वीडियो लाकर अच्छे से बता देंगे, अच्छे से बताते चलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हाँ इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोग को बनता चलेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोग को, इसीलिए हम इसका परिभाषा लिखते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को अच्छे से देखना है, याद करते चलना है, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का या इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को भी वहाँ से
लाइन बाय लाइन वीडियो मिलेगा, देखिए पढ़ने के लिए वीडियो मिल गया, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा जो कि अच्छे से याद कर लीजिए, और आपको लगता है कि हम अच्छे से पढ़ गए तो आप शांतिपूर्वक टेस्ट दीजिए उसका, और टेस्ट में आप देखिए आपको कितना आ रहा है वहां पे, सब सही सही आपका आंसर भी मालूम पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ही सही हुआ, तो 5 क्वेश्चन आपके गलत हुआ, जो कौन-कौन क्वेश्चन गलत हुए, कैसे गलत हुए, वो भी क्वेश्चन का दूर कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।